साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पार्ट 5 पृष्ठ रसायन का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसका पहला विषय हमारा क्रिस्टलाभ। क्या एक रसायनज्ञ थे हमारे थॉमस ग्राहम। उन्होंने विभिन्न पदार्थों के विलयनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात पाया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके चले जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थों का विलयन अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर नहीं जाता है। तो उन्होंने इन पदार्थों को दो रूपों में बांट दिया। तो पहला हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाभ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका जली विलयन जो होता है अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है। तो जैसे मान लिया जाए जी हमारी कोई अर्धपारगम झिल्ली है, तो अर्धपारगम झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उन पदार्थों का विलयन जो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर क्या हो जाए चला जाए दूसरी ओर चला जाता है, तो उसे हम लोग क्रिस्टलाभ कहते हैं। क्रिस्टलाभ के अंतर्गत हमारा NaCl, यूरिया और शर्करा ग्लूकोज आता है। NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 और शर्करा जो हमारी होती है चीनी, इसका फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। ग्लूकोज का हमारा फार्मूला होता है C6H12O6। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाभ के, वे पदार्थ जिनका जली विलयन जो होता है अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर चला जाएगा, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टलाभ कहेंगे। सेकेंड हमारा होता है इसमें कोलाइड क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनका जली विलयन अर्धपारगम झिल्ली को बहुत धीरे धीरे लगभग ना के बराबर पार करता है, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कोलाइड कहते हैं। या तो जो जली विलयन है बहुत धीरे धीरे पार करे या फिर नहीं पार करे, एकदम ना के बराबर पार करे, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। तो आप लोगों को क्रिस्टलाभ और कोलाइड समझ में आ गया होगा। जिनका विलयन अर्धपारगम झिल्ली को पार करके दूसरी ओर चला जाएगा उन्हें हम लोग क्रिस्टलाभ कहेंगे, और जिनका विलयन अर्धपारगम झिल्ली को पार ना करे, जिनका विलयन अर्धपारगम झिल्ली को पार ना करे उन्हें हम लोग कोलाइड कहते हैं। कोलाइड के एग्जाम्पल में हमारा जिलेटिन आता है। क्या आता है, जिलेटिन आता है, स्टार्च आता है, गोंद आता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं कोलाइड के। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कोलाइड हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो पहला हमारा है द्रव स्नेही कोलाइड। क्या होते हैं वे कोलाइड, जो द्रव के संपर्क में आने के तुरंत बाद ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते, क्योंकि स्नेही है, स्नेही का मतलब है कि प्रेम पूर्वक कार्य को कर देना। वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने के बाद क्या बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तो उन्हें हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और इनके कणों का आकार अत्यधिक छोटा होता है। द्रव स्नेही कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है। तो इनके कणों का आकार छोटा होता है। उदाहरण के रूप में हमारा स्टार्च, जिलेटिन और गोंद, ये हमारे द्रव स्नेही कोलाइड है। कोलाइड तो है, कौन से कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड है, स्टार्च, जिलेटिन और गोंद। नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड का। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं एक बार अवक्षेपित होने पर अवक्षेपित का अर्थ होता है कि विलयन पानी में नीचे बैठ जाए। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं एक बार अवक्षेपित होने के बाद पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। यानी पहले हमारे पास कोलाइडी विलयन था, इसमें हमने कोई पदार्थ मिलाया और वह विलयन बैठ गया यानी अवक्षेपित हो गया। कुछ समय बाद हम उस अवक्षेपित पदार्थ से पुनः कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं कोलाइड से एक बार अवक्षेपित होते हैं, अवक्षेपित होने के बाद पुनः फिर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तभी तो इनको द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है द्रव विरोधी कोलाइड। ये क्या होते हैं, वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने के बाद तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, यानी नखरे दिखाना एक प्रकार से, तुरंत विरोध करना, तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं उनके कणों का आकार छोटा होता है, परंतु जो विरोध करने वाले होते हैं इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। उदाहरण में इसमें हमारा धातु सल्फाइड आता है और धातु हाइड्रॉक्साइड आता है। धातु सल्फाइड में हमने धातु लिया सोडियम और सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। धातु हाइड्रॉक्साइड में हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होगा। इसमें नोट पॉइंट देखते हैं, जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसमें जो कोलाइड होता है वो एक बार अवक्षेपित होने के बाद
पुनः कोलाइडी विलयन नहीं बनने देता है, विरोध करता है, तभी तो इसका नाम द्रव विरोधी कोलाइड है। जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं अगर एक बार अवक्षेपित हो गए, बैठ गए, तो पुनः फिर कोलाइडी विलयन वो नहीं बनाते हैं, तो इनको कहा जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। यहाँ पर हमने बात की है कोलाइडी विलयन की, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को क्रिस्टलाब समझ में आ गया होगा, जिनका जलीय विलयन जो होता है अर्धपारगम झिल्ली को पार कर जाता है। कोलाइड वे होते हैं जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम झिल्ली को पार करके ना जाए। और कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं द्रव के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। थैंक यू।